हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ हरा भरा कबाब। यहाँ हमने लिया है एक बंच पालक के पत्ते, उनको हमने डंठल से अलग करके रखना है। एक बोल हम लेंगे यहाँ पे हरा धनिया, जिसको हमने साफ कर लिया है। यहाँ हमने एक बर्तन में पानी गर्म किया है, इसमें हम डालेंगे पालक और हरा धनिया। अभी हमें इसको 2 मिनट तक घुमाना है पालक को, ऐसे ही छोड़ नहीं देंगे। पालक को जब भी बॉयल करें तो उन्हें घुमाते हुए रहना चाहिए, और 2 मिनट से ज़्यादा हम इसको बॉयल नहीं करेंगे। 2 मिनट के बाद आप देखेंगे पालक जो है अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी है, और इसको हम पानी से निकाल देंगे और ठंडा पानी डाल के उसका पूरा पानी निकाल के अलग करके रखना है। हमने यहाँ लिया है एक बोल बॉयल पीस। एक मिक्सर का जार लेंगे, इसमें हम डालेंगे 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च। इसको हम पहले थोड़ा ग्राइंड करेंगे, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे पालक। इसका पानी हमें अच्छे से निकालना है, वो ध्यान देना है। पहले हमें थोड़े से बॉयल पीस डाल के इसको हमें ग्राइंड करना है, दरदरा करना है, एकदम पीसना नहीं है। उनका हमारा अभी तैयार है। पालक के मिक्सचर को एक बोल में हम डालेंगे। अभी इसमें हम डालेंगे 1 स्पून के बराबर बॉयल पीस। यहाँ हमने 2 आलू लिए हैं जिन बॉयल किए हुए, जिनको हमें मैश करके ये पालक के मिक्सचर में डालना है। अभी हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून चाट मसाला एंड 1/2 टीस्पून गरम मसाला। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हमारा हरा भरा कबाब का मसाला बनकर तैयार है। यह हमने 3 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, जिसका हमने ब्रेड क्रम बनाया है, और ये हरा भरा कबाब का जो मसाला है उसका हम पैटिस की शेप बनाएंगे। ये देखिए, अभी हमें इसको कोट करना है ब्रेड क्रम के साथ। ब्रेड क्रम की कोटिंग करेंगे इस पर हम। अच्छी तरह से कोट होना चाहिए, हमें ध्यान देना है। हमने यहाँ कुछ इस तरह से पैटिस बना कर रखी हैं, और हमने यहाँ ये काजू लिए हैं जिनको कट करके रखा है हाफ में, वो हमें ऊपर से हम लगाएंगे। हमने यहाँ ये फ्लैट पैन लिया है, इसमें हम ऑयल डालेंगे। तेल गरम हो जाएगा तो हम स्लो फ्लेम कर देंगे। ये तेल हमारा अभी गरम हो चुका है, इसमें हम कबाब डालेंगे। और इसको अच्छी तरह से एक साइड पहले ब्राउन हो जाएगा तो ही इसका हम साइड चेंज करेंगे। ये देखिए, अभी हमारा दूसरा साइड भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अभी हम इसको प्लेट में निकाल के साइड करके रखेंगे। हमारा हरा भरा कबाब तो फ्राई हो चुका है। तड़का तैयार करने के लिए हमने यहाँ लिया है कुछ कड़ी पत्ते, काजू और एक शिमला मिर्च जिसको हमने स्लाइस करके रखा है, 2 स्पून ग्रीन पीस। हमने यहाँ एक पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे 2 स्पून ऑयल, और अभी हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता और काजू। जैसे ही वो थोड़ा फ्राई हो जाएंगे, इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च स्लाइस किया हुआ एंड 2 स्पून ग्रीन पीस। 2 मिनट के लिए इसको हमें अभी सौते करना है। ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि ये क्रंची रहने चाहिए। ये नमक और चाट मसाला हमने मिक्स करके रखा है, वो इस पर हम स्प्रिंकल करेंगे, और स्प्रिंकल करने के बाद हम इसको अलग करके प्लेट में रख देंगे, और ज़्यादा पकाना नहीं है। हरा भरा कबाब को सर्व करने के लिए हमने प्लेट लिया है, इस पर हम कबाब रखेंगे, और गार्निशिंग के लिए जो हमने तैयार किया था मसाला, वो उसके ऊपर हम गार्निश करेंगे उससे। ये हमारा हरा भरा कबाब बनकर तैयार है दोस्तों। उम्मीद है आपको यह हमारी रेसिपी पसंद आएगी।
शेयर कीजिए और लाइक बटन दबाना ना भूलिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिससे हमारे आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।